हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास टेंथ वालों के लिए मैथ्स का, यहाँ पे गणित का, रियल नंबर वास्तविक संख्या का बहुत ही भीवी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। दोस्तों, और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और चैप्टर वाइज पे आधारित है। रियल नंबर वास्तविक संख्या से अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए, वो सारे हम लोग क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो दोस्तों आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस शीट करना चाह रहे हैं दोस्तों हर एक सब्जेक्ट का, तो इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं। starkstudypoint.com गूगल पे लिखिएगा, या फिर आप क्लास टेंथ के छात्र तो ये starkstudy.com वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, या फिर गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, ताकि आपको मैथ्स के साथ साथ सोशल साइंस, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, उसके बाद आप लोग को नॉन हिंदी, मैथिली, सभी का, उर्दू का भी मिल जाएगा आप लोग को स्टडी मटेरियल। तो जाके आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हो, हर एक सब्जेक्ट का आप लोग को लेटेस्ट पैटर्न पे देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, अगर आप भी क्लास टेंथ के छात्र हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से हम लोग जैसे ही नया वीडियो लगाऊंगा नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलता रहेगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी छात्र गौर से देखेगा, और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हम लोग कर रहे हैं वास्तविक संख्या रियल नंबर से चैप्टर। जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। देखिए, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी ईयर में बच्चा पूछे जा चुके हैं, तो बहुत ही भीड़ रहने वाले हैं ये सेशन, और इसी तरह के कम से कम 5 से 7 पार्ट आने वाले हैं, तो जो आप लोगों के बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए, आप पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या हम लोग किसको बोलते हैं बच्चे, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसका पूर्ण वर्ग न हो, जिसका पूर्ण वर्ग न हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, अपरिमेय संख्या। अब देखो, यहाँ पे नहीं है पूछा जा रहा है ना, √7 अपरिमेय संख्या, √3/7 अपरिमेय संख्या, √2/√5 अपरिमेय संख्या, √25/√48, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक बच्चा, इसको 49 बना लो, ताकि ये 5/7 आ जाए, तो ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यही आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो अपरिमेय संख्या नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक बच्चा, नहीं तो सभी इसमें अपरिमेय ही हो जाएगा। दूसरा है कि √3/√12 एक संख्या, तो ये परिमेय हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, √3/√12, क्योंकि देखो बच्चा √3, यहाँ पे √12 को हम लिख सकते, √3×√4, तो 3 से 3 गया आपका, तो 1/√4 बच्चा, ये 1/2 जो पी बाई क्यू के रूप में आ गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। चलिए बच्चा, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। देखो बच्चा, ये जो क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या निकालने का, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और जिसका पूर्ण वर्ग हो, √3 अपरिमेय है, √4+√5 अपरिमेय है, √6 अपरिमेय है। अब ये √2 से √2 गया, 2 बच्चा पी बाई क्यू के रूप में आ गया, तो ये आपका परिमेय हो गया। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा बच्चा, 3 का ऑप्शन नंबर बी, जो एक परिमेय है। चार नंबर है बच्चा कि √2 है, एक √2 कौन सी संख्या है, जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकाल सकते, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। √2 हो गया, √3 हो गया बच्चा, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, सारे क्या है, √8 हो गया, ये सारे क्या है बच्चा, अपरिमेय संख्या है, जिसका पूर्ण वर्ग हम लोग नहीं निकाल सकते, वो सारे अपरिमेय। चलिए, 5 नंबर देखते हैं कि 1/√3 किस प्रकार की संख्या बच्चा, 1/√3 ये भी आपका अपरिमेय हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं बच्चा। चलिए, 6 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है √64/√36, ये तो बच्चा आपका क्या हो जाएगा, 8/6, 9/5, 9/7/3, ये सारे परिमेय संख्या हो रहा है, लेकिन अपरिमेय संख्या तो यहाँ पे कोई नहीं है, तो इस ऑप्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है बच्चा, लेकिन आपको पता होना कि परिमेय और अपरिमेय कैसे पहचानते हैं, तो आप आसानी से पहचान सकते हो, इसमें कोई भी अपरिमेय संख्या नज़र नहीं आ रहा है। चलिए, पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन, आपको कुछ नज़र ही नहीं आएगा, तो ऑप्शन को छोड़ना पड़ेगा, ताकि सभी बच्चों को उसमें नंबर जो मिल सकता है। चलिए, 7 नंबर है कि 11/25 का दशमलव प्रसार क्या होगा। दशमलव प्रसार हम लोग किसको बोलते हैं दोस्तों, अगर पी बाई क्यू के रूप में कोई संख्या हो और Q का वैल्यू अगर 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में आ रहा बच्चा, तो वो हम लोग बोलते हैं शांत है, अगर 2 और 5 के अलावा 2। हेलो बच्चों, पढ़ाई में डॉट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सलूशन है .net। अगर आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उस क्वेश्चन को क्रॉप करना है, और 5 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE का हो, UP, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या फिर किसी भी बोर्ड का हो, चाहे IIT, JEE, NEET या 6ठी से 12वीं का क्वेश्चन हो, इसका जवाब मिलेगा .net पर, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा .net पर। साथ ही अब .net पर पढ़िए कोटा के बेस्ट फैकल्टी से, जैसे GV सर, NS सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी .net पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे .net पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउनलोड कीजिए .net। आ जाए, 7 आ जाए, कुछ भी आ जाए बच्चा, तो वो हमेशा अशांत होगा,
यहाँ पे देखो तो 11/25 है, लेकिन ये बात ध्यान में रखा है कि उसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होनी चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होनी चाहिए, मतलब आपस में जो है कटा हुआ नहीं, मतलब कॉमन नहीं होनी चाहिए आपस में। तो 11/25 में कोई कॉमन नहीं है, तो 25 का हम लोग ये 5 और 2 के नहीं है तो 2 के पावर 0, तो ये अशांत हो जाएगा। 17/14 देखो ये अशांत है, क्योंकि इसमें 2 और 7 आ रहा बच्चा, और मैंने आप लोग को बताया 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आनी चाहिए, तो ये आपको अशांत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 का। अब देखो 9 नंबर जो है इसी तरह से है कि 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो 11/15 में भी 3 और 5 आ रहा बच्चा, तो ये हो जाएगा आपका अशांत हो जाएगा। पाई किस प्रकार की संख्या बच्चा? पाई जो है एक अपरिमेय संख्या, क्यों? पाई एक अपरिमेय संख्या, लेकिन 22/7 जो वैल्यू होता है ये आपका परिमेय हो जाता है। क्यों हो जाता है परिमेय? क्योंकि ये पी बाई क्यू के रूप का है। अब इसी में बच्चा 2π अगर पूछ दिया जाए, पाई बाय 2 पूछ दिया, ये सारे कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या होगी। चलो बच्चा 11 नंबर देखते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो अनंत हो सकती है, क्योंकि 1 और 2 के बीच हम लोग कितनी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं बच्चा? अनंत निकाल सकते हैं ना, क्योंकि 1.1, 1.01, 1.001 मतलब इस तरह से निकाल सकते हैं कि 1 और 2 के बीच हम लोग अनंत परिमेय संख्या लिख सकते हैं, जो पी बाई क्यू के रूप में हो सके। अब 12 नंबर क्वेश्चन से देखो तो बच्चा यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि 3+√3 × 3-√3 किस प्रकार की संख्या है? तो 3+√3 + 3-√3 इसको कैलकुलेशन करो तो a+b × a-b पे आ गया, तो 3 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर हो गया ये, तो 9 - 3 = 6 आ गया, जो एक परिमेय संख्या हो जाता है। देखने से लग रहा होगा कि आपको नहीं √3 है तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन आपको कैलकुलेशन करने के बाद ये परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है, कन्फ्यूजन मत होना, आप इसको हल करके आंसर करना। चलिए 13 नंबर देखते हैं कि 3+√5 एक संख्या है। देखो किसी भी हम लोग अपरिमेय में परिमेय को जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं या गुणा भाग करते हैं तो हमेशा क्या होता है बच्चा? अपरिमेय होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 0 को छोड़ के, अगर 0 को √5 से करेंगे, 0 एक परिमेय है बच्चा, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये परिमेय भी हो जाएगा, लेकिन 0 को छोड़ के, है ना, शून्येतर इसलिए लिखा रहेगा, शून्येतर मतलब 0 को छोड़ के। 14 नंबर है बच्चा कि √15/3 एक संख्या है, इसको हल करो तो बच्चा √15/√3 को लिख सकते हैं, √5 × √3 बिल्कुल √3 तो कट गया, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है 14 का। चलिए बच्चा 15 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है बीजातीय है? बीजातीय मतलब समझ रहे हो ना बच्चा, जो आपस में यहाँ पर नहीं कट रहा है या फिर कट रहा है। देखो बच्चा यहाँ पर क्या है ऑप्शन में आपको 3/5 है, 16/4 है, देखो तो बच्चा ये आपको 4/2 हो जाएगा, इसको तो √2/5, ये आपको 25/9 अपरिमेय संख्या यही ना अलग, तो यही आपका आंसर आ जाएगा बीजातीय, ठीक है बच्चा। 3/5 पी वाई क्यू, 4/2 पी वाई क्यू, 25/9 पी वाई क्यू सारे है, लेकिन √2/5 अपरिमेय संख्या, यही आपका आंसर आ जाएगा। चले बच्चा 16 नंबर देखते हैं यहाँ पे कि √5 एक संख्या है। क्या क्वेश्चन है बच्चा कि √5 एक संख्या, बहुत ही ईजी है, मैंने आपको बताया था कि √2 रहे, √3 रहे, √5 रहे, √7 रहे, मतलब जिसका पूर्ण वर्ग हम लोग नहीं निकाल सकते हैं वो सारे संख्या आपका अपरिमेय कहलाता है। 17 नंबर है बच्चा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, 3, 5, 7, 11 इस तरीके से होता है, तो सबसे छोटा क्या है बच्चा? 2 है, एक नहीं है बच्चा, बहुत सारे छात्र एक लगाते हैं लेकिन नहीं, 2 से स्टार्ट होती है अभाज्य संख्या, याद रखिएगा। 18 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या? देखो बच्चा √5+√5 ये हो जाएगा 2√5, √21/7 √21 क्या बच्चा? √21/7 ये हो जाएगा 7/21, तो √3, √11 / √3 यही ना है बच्चा जिसको हम लोग पी वाई क्यू, ये पूर्ण वर्ग यहाँ पे 11 सिंपल है, तो ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगी, और ये जो बाकी है 3 ऑप्शन आपका, ये सारे कौन सी संख्या बच्चा? अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे 1 से 18 तक में? दिक्कत होगा तो बताना कमेंट्स में बच्चा, अगर किसी तरह की किसी भी चीज़ की अगर प्रॉब्लम आती है किसी प्रश्न में तो आप लोग जो बेहिचक कमेंट करके पूछ सकते हो। देखो दोस्तों 18 से हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोज में यहाँ पे, और 3 से 4 पार्ट आने वाले हैं बच्चा, 3 से 4 पार्ट आने वाले हैं, तो ये आप सभी के लिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों क्लास, और हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे, हर एक सब्जेक्ट का दोस्तों चैप्टर वाइज हम लोग क्लास 10th का भी स्टार्ट करें इस चैनल की मदद से। तो जो भी छात्र यहाँ पे 10th और 12th के हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि इसी तरह से आप लोग को हर एक चीज़ की जानकारी मिलता रहेगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग, और एक चीज़ बता दूँ बच्चों, अगर आप लोग मैथ्स का फुल कोर्स तैयारी करना चाहते हैं
तो आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर मैं लाइव पढ़ाता हूँ बच्चा, और वहाँ पे आप लोग बेहिचक यहाँ पे मुझे लाइव क्लासेस के रूप में देख सकते हो। यूट्यूब पे लाइव क्लासेस अभी नहीं हो रही है, तो जल्द से जल्द हम लाइव क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। चलो बच्चा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी सारे जानकारी मिला होगा। चलिए बाय बाय बच्चा।